हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग हो रहा है दोपहर 2:30 बजे से शुरू। एक्चुअली क्या हुआ देखिए, आपको दिखाती हूँ। छुट्टी वाले बच्चे, ये देखिए छुट्टी वाले बच्चे। आज इसकी वजह से, क्योंकि आज दोनों बच्चों ने छुट्टी ली, कहा कि मम्मी एग्जाम खत्म हो गया है तो एक दिन की हमें छुट्टी चाहिए, तो इन दोनों ने छुट्टी ली। आज मैं लेट उठी तो इसलिए सारा काम आज बिल्कुल लेट हुआ। आज कपड़े धोए, खूब सारे थे, मशीन लगा के वो धोए, सारा काम खत्म किया, नहाई और अब जाके मैंने लंच बनाया है 2:30 बजे। कपड़े सारे सूख गए हैं, इवन मैंने सूखते के साथ ही प्रेस भी कर दिए। और इनकी मजे की बात, मैडम का मैसेज बाद में आया कि जरा जोर से बोलो, कल की छुट्टी है। तो अब करते हैं दोपहर का लंच। और आज लंच में बनी है खिचड़ी और सीत। तो अब हम लंच करेंगे। तो अब कर लेते हैं दोपहर का लंच। और उनका तो हो रहा है नाश्ता, नाश्ता ही हो रहा है, दूध बिस्किट ले रहा है। कहा खिचड़ी खा ले, पर नहीं, खिचड़ी नहीं खानी है। क्यों, अच्छी नहीं लगती? दही के साथ मस्त लगती। आज अपनी पसंद के बिस्किट लेके आए पार्ले जी, तो वो खा रहा है और हम खाएंगे अब खिचड़ी। और उसके बाद जाएंगे वॉक के लिए, उससे पहले करूँगी एक्सरसाइज। वॉक के लिए ही टाइम हो जाएगा, क्योंकि अब तो 2:30 बजे का टाइम हो रहा है। और उसके बाद फिर खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ इतना सारा काम करने के बाद। क्योंकि मैंने आज प्रेस भी बता रही हूँ, जैसे पूरी कर दी, पूरा काम ख़त्म हो गया। तो पहले लंच कर लेते हैं, उसके बाद अगला काम देखेंगे। बच गए हैं 3:30, थोड़ी सी खिचड़ी खाई। और सच बताऊं तो रेगुलर है ना, दाल खिचड़ी खा के इतना दिमाग खराब हो रहा है। बबू का स्काटा है, ये खाया, 2-3 फाँक खा ली, 2 बची हैं। खाने का तो क्या, बस टेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। ले आशु, एक तो ले ले, एक मैं ले लूँगी। और एक सलवार पड़ी है, वो सी लूँगी। दस बारह दिन हो गए वो सिली नहीं। अब जरा उस पर बैठ जाते हैं। ये वो सलवार 10-12 दिन से पड़ी है, अभी तक नहीं हुई है, बस टाइम ही नहीं मिल पाता था। और आज काफ़ी दिन से दाल और खिचड़ी खा रहे हैं ना, मेरे हस्बैंड कह रहे कुछ अलग सा। मैंने कहा आज है ना मन कर रहा है, सीरियसली सच बताऊं तो, मसाला डोसा खाने का। मैंने कहा मसाला डोसा, और तो कह रहे नहीं दे, मोटो वजन तो कम हुआ नहीं, मसाला डोसा चाहिए तेरे को। यार बहुत दिन हो गए ना, दाल खिचड़ी छिक गए तो दाल खिचड़ी से। क्या करें, ला के देंगे नहीं पता है। तो चलिए अब हम अपनी चढ़ लेते हैं सलवार पूरी, फिर बच जाएंगे 4 और फिर चलेंगे वॉक के लिए। खाली नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि वक्त तो वैसे ही भाग रहा है, तो वक्त का इस्तेमाल करो सही। ये देखिए आधा घंटा लगने के बाद भी सलवार अभी पूरी नहीं हुई है, इसको बीच में ही छोड़ दिया। चलते हैं क्योंकि बज गए 4 और वॉक का हो गया टाइम, अब चलेंगे वॉक पे। चलिए जी, तक आज जितना सारा काम करने के बाद हो गया है वॉक का टाइम। हस्बैंड को दे दिए ग्रीन टी और राज दे दिया तो उधर के लिए खाना। चलते हैं नीचे। चलिए जी पार्क की शुरुआत करते हैं बेजुबान और जानवरों को खाना डालने से। पार्क में कर ली थी एंट्री और हमने कर लिए अपने 3 चक्कर पूरे, इस पॉइंट पे हो जाएंगे खत्म। एक लास्ट बचेगा, वो आपको दिखाती हूँ पूरा, एक जल्दी स्पीड में एक पूरा रूट जहाँ से हम पूरी वॉक स्टार्ट करते हैं और ख़त्म करते हैं। तो चलिए देखते हैं उस रोड की जर्नी, ठीक है, जहाँ से हम वॉक करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये पार्क का है एक पक्का रास्ता, मोस्टली लोग इसको लेते हैं। ये देखिए बहुत बड़ा पूरे पार्क का गोल चक्कर है ये। हम जाएंगे यहाँ बीच में से, ये कच्चे रास्ते में से। चलिए
ये देखिए, ये है बीच का कच्चा रास्ता, बिल्कुल शांति होती है, कोई नहीं दिखाई देता। बाहर की साइड में तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, चलने में भागने में परेशानी होती है, यहाँ कोई नहीं होता है और कच्चा रास्ता है, कंफर्टेबली चल भी सकते हैं। इसलिए मैं और मेरे हस्बैंड यहीं से लेते हैं, हमने हमारे काफ़ी सारे रास्ते के एस बने हुए हैं, और निकलते निकलते देखिए कितना लंबा कितना शांत है। हस्बैंड आगे आगे चल रहे हैं, मैं पीछे चल रही हूँ, आराम से क्लिप बना रही हूँ, कई बार पलट के पीछे देख रहे हैं, जल्दी आ, मैंने कहा मैं आ रही हूँ। बीच में एक रास्ता और आता है पक्का, जो पूरे रास्ते को आपस में जोड़ता है। इस पार्क की एक सबसे अच्छी बात, देखिए पेड़ लगाए जा रहे हैं जगह जगह, यहाँ बहुत बड़ा जंगल है, बहुत सारे पेड़ है, प्रति यहाँ फिर भी पेड़ लगाए जाते रहते हैं, बहुत सारे रिक्शा में पेड़ लेके आते हैं और वो लगाते हैं। और एक बहुत अच्छी बात जो मैं बता रही थी इस पार्क की, यहाँ साइकिल पे है ना गार्ड है ना, थोड़ी थोड़ी देर में चक्कर लगाते रहते हैं ताकि किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हर 10 मिनट में एक गार्ड आएगा। कल की क्लिप में आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी, तो ये सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है, कोई भी परेशानी नहीं होती है। और ये देखिए चक्कर लगाते लगाते हम आ गए रास्ते में, मेरे हस्बैंड कह रहे देख देख मोर मोर के बच्चे, मैंने कहा रुको चलना नहीं, आप चलोगे तो ये मोर भाग जाएगा, मैं आराम से इसकी क्लिप लेती हूँ, तो कह रहे तेरा भी दिमाग ही खराब है। और ये आ गए हम रास्ते के एंड पॉइंट है जो पक्का रास्ता बीच में से, और ये हमारा है कच्चा रास्ता, तो ये होगी वॉक यहाँ खत्म। अब इसके बाद बचा है आधा रास्ता और, क्योंकि हम 2.5 चक्कर काटते हैं, ये पॉइंट बाहर ले जाएगा लेकिन हम यहाँ से नहीं लेते हैं। और ये दो पूरे जो पार्क है उसका गोल चक्कर, उसके बीच का ये पॉइंट है, तो अब चलिए चलते हैं, आधा चक्कर और काटते हैं और चलते हैं घर। ये देखिए कितना सारा ट्रैफिक है, और हस्बैंड जा रहे हैं उल्टी साइड, रॉन्ग साइड एक्चुअली, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, और मैं चल रही हूँ पैदल। जब हम पार्क में एंट्री कर रहे थे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि आपस में बुलेट वाले की और एक शिफ्ट की टक्कर हो गई थी, और बुलेट वाले को बहुत ज़्यादा लग गई है, क्योंकि ट्रैफिक वाकई सीरियसली बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। और पार्क हमारे घर से बहुत दूर है, यहीं एक पार्क है इसलिए हमें यहाँ आना पड़ता है ना। और आप देखिए और ये जितना लंबा रास्ता है सारा मुझे पैदल पार करना पड़ेगा, क्योंकि हस्बैंड तो स्कूटी पे चले गए हैं, तो चलिए फटाफट चलते हैं आगे घूम के वापस। और यहाँ पर गेट, क्योंकि भारतीय आ रही है तो गेट खोलना है, चलिए तो उसका गेट तो आएगी जब चलेंगे ऊपर। चलिए जी कर देते हैं गेट बंद। कौन से वाला डॉग देखा? बंद फिर बताओ। मेरी शाम की पूजा का टाइम हो गया था, मैंने लगाई जोत, आज है मंगलवार, पूजा भी करेंगे, भगवान जी को याद भी करेंगे और प्रसाद भी चढ़ाएंगे। बीच में बेटा कुछ बोल रहा था, मैंने उसको बहुत बार बोला हुआ है जब पूजा करूँ तो आप डिस्टर्ब मत किया करो, वो कुछ पूछने के लिए आया था, उसको बता दिया, पूजा कर ली है मैंने, भगवान जी को हाथ जोड़ लिए हैं। और ये देखिए मंगलवार का मैंने प्रसाद चढ़ा दिया है, प्रसाद चढ़ा के मैं सबको दे दूंगी और फिर अपने घर का काम चालू करेंगे। रात के बज गए हैं 8 और आज हमने खाने में बनाया डिनर में, देखिए सबके लिए हरा साग, हस्बैंड के लिए दाल, बच्चों के लिए जीरा चावल और अपने लिए सलाद। तो ये है डिनर हो गया, सबने खा लिया है, और अभी के लिए मैंने कर लिया अपने लिए गर्म पानी, तो ये मेरा अभी हाल फिलहाल का 3रा कप है गर्म पानी का, ये पीऊँगी। चलिए किचन का काम हो गया खत्म, अपना पानी एंजॉय कर लेते हैं। रात के बज गए 8, काम सारा खत्म हो गया है और डिनर भी कर लिया है, दाल फिर भी कोई फर्क नहीं, हम ऐसे के ऐसे ही मोटे के मोटे। अब जा रही हूँ पार्किंग में वॉक करने के लिए, देखते हैं कितनी देर के लिए वॉक होगी, तो चलो 1 घंटा तो करके आऊँगी कम से कम। वॉक करते हुए 1 घंटा 5 मिनट हो गया है, और
और अभी थोड़ी देर और करूँगे, थक के हालत हो गई खराब। मैंने 1 घंटा 15 मिनट वॉक की आज, मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा बिजी दिन था, पर कल मैं ज़रूर करूँगी और उसकी क्लिप डालूंगी। ये था मेरा पूरे दिन का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपनी गाने सुनते हुए अब मैंने अपनी वॉक इन्जॉय करी। थैंक यू व्लॉग देखने के लिए।